प्रभात जी का, जिन्होंने मेरे लिए इतने ज्यादा सम्मानीय शब्द बोल दिए। सर जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम कितने दिनों से मीटिंग्स कर रहे हैं और एक बात हम बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही अच्छा समय है जो पॉलिसी मेकिंग में टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है। मैं कल भी मीटिंग में बात कर रहा था कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, तो पहले हमसे पूछा नहीं जाता था, हमें बस पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट्स वो आ जाते थे, हम पढ़ देते थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कैसे नहीं होती है हमें कुछ पता नहीं होता था। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज जो टीचर एजुकेशन का स्तर है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत नीचे जा चुका है। मैं पहले ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम इन चीजों से रूबरू हो रहे हैं। हमें पता है कि किस तरह से टीचर एजुकेशन जो है हरियाणा में या पूरे देश में चल रही है। वैसे एनजीटी में नए कुछ रूल्स आए हैं, सेंटीग्रेटेड कर देंगे, तो 2 साल की भी रहेगी, 1 साल की भी रहेगी, लेकिन क्लियर किसी को नहीं है। और जब तक हमें क्लियर नहीं है तो क्वालिटी कैसे सुधरेगी। चलिए पहली बातें करते रहेंगे। मैं टीचर एजुकेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1793 में इंडिया में टीचर एजुकेशन शुरू हो चुकी है और नॉर्मल स्कूल के नाम से सिरमपुर में बंगलौर में पहला स्कूल खोला गया था, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद से निरंतर इसमें चेंजेस होते रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट्स होती रही हैं। पहली जो महिला टीचर हम मानते हैं सावित्री बाई फुले, जो 1848 में जिन्होंने अनटच्ड गर्ल्स को एजुकेट किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स एजुकेशन को वैसे भी कोई महत्व नहीं दिया जाता था। टीचर एजुकेशन को अगर हम देखें तो 2 एरियाज में हम बांट सकते हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस। जो आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले ही पता है, प्री सर्विस में जो हम बीएड या जेपीटी करवाते हैं और इन सर्विस में जो हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हमारे फ्रेशर कोर्सेज या और जो ट्रेनिंग हमारी लगती है वो इन सर्विस में आती है। देन टाइम टू टाइम बहुत सारे कमीशन आए, बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने टीचर एजुकेशन को मॉडिफाई किया।